चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज यहां से बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर आज लेकर के चलते हैं, भारत का एक सामान्य परिचय। और हमने प्रयास किया है कि भारत के एक सामान्य परिचय को आपके एग्ज़ाम के लेवल से कोरिलेट करते हुए जीके टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी बेहद महत्व रखते हैं। आइए दोस्त, हम इन पे बारी बारी से चर्चा करते हैं और देखते हैं वे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले नंबर पे पूछा जाता है कि भारत को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो इस क्रम पर हम ध्यान देंगे कि भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है, भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, भारत को भारतवर्ष भी कहा जाता है, इंडिया भारत और सैंधव या सिंधु प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये भारत के अन्य नाम हो गए। हम दूसरे नंबर पे देखते हैं कि भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी के क्रम पर हम ध्यान देंगे कि भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्रम पर अगर हम ध्यान दें कि भौगोलिक स्थिति की, कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो इस क्रम पर ध्यान देंगे कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे अगर हम ये बात करें कि ये हमारा भूमध्य रेखा, तो ये वही स्थिति है, ये हमारा पहले तो उत्तर है और फिर उत्तर में ये हमारा पूर्वी ओर स्थिति रखता है, तो इसी कारण उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इसको कहा जाता है। अगर हम भारत के मानक समय की बात करें, तो मानक समय के क्रम पर ध्यान देंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में यह स्थित है और यह प्रयागराज का नैनी यहाँ पर कहा जाता है। हालांकि एक्चुअल मिर्जापुर होता है, लेकिन इसका आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इलाहाबाद या आप कह सकते हैं कि प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरा हुआ है। अगर प्रश्न आता है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच से क्या स्थिति रखता है, तो ध्यान दीजिएगा कि यह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे की ओर है, अर्थात जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे उस समय भारत में बज रहा होता है सायं का 5:30। अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें भारत के, तो हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक की संपूर्ण लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण तक की संपूर्ण लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये तो ऊपर से नीचे की ओर हो गया उत्तर दक्षिण। अब अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। अगर हम इसी क्रम में भारत के स्थलीय सीमा के विस्तार की बात करें, तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर और भारत के जलीय सीमा की बात करते हैं तो 1,516.6 किलोमीटर है भारत की जलीय सीमा। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत के क्षेत्रफल का विस्तार है। अब अगर ये पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% हमारा क्या है, भारत का क्षेत्रफल अपनी हिस्सेदारी रखता है। नेक्स्ट क्रम पर अगर हम ध्यान देखें कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में अगर हम देशों का विभाजन करें, तो भारत का स्थान कौन सा आता है, 7वां। और अगर पूछता है कि सबसे बड़ा देश कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो होगा हमारा कौन सा, रूस होगा। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें, तो आप जानते हैं 121 करोड़ से अधिक है, हम इसीलिए हमने यहाँ प्रयोग कर दिया 121 करोड़ लगभग, अर्थात इससे के आसपास। और ये एकदम बेहद फेमस टर्म है, हमारे मोदी साहब कहते हैं देश के सवा सौ भारतवासियों या कहते हैं ना हमारे नागरिकों। नेक्स्ट पॉइंट पे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन और उसके बाद हमारे भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा। अर्थात विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है और उसके बाद दूसरी बड़ी जनसंख्या है हमारी किसकी, भारत की। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें कि भारत में कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा कि 62,31,21,843 हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या है और इसी आधार पर भारत में कुल महिलाओं की जनसंख्या है 58,74,47,730।
नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या 83.34 करोड़ है और ये विश्व के कुल जनसंख्या का 68.8% ये अपनी भागीदारी रखती है। अगर हम बात करें कुल शहरी जनसंख्या की, तो भारत की कुल शहरी जनसंख्या है 37.71 करोड़ और ये विश्व की ये भारत की कुल जनसंख्या का 31.2% हमारे शहरों में यहाँ पे आबादी निवास करती है। आइए नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं और हम बात करते हैं भारत के की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब हुआ 10 वर्षों में, और जो हम आंकड़ा लेने जा रहे हैं वो 2001 से 2011 के मध्य का। तो इस क्रम में ध्यान देंगे कि 2001 से 11 हमारे दशकीय दर में 17.7% वृद्धि हुई भारत की जनसंख्या की। अगर हम भारत के लिंगानुपात की बात करें तो 1 से 11 जो 2011 का डेटा आया इसके अनुसार 943 महिला पर 1000 पुरुषों का और यहाँ पर औसत बनता है लिंगानुपात का, कि 943 महिलाएं हैं और प्रति 1000 पुरुषों पर। और अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो एक वर्ग किलोमीटर पे 382 व्यक्ति निवास करते हैं। और अगर हम भारत के साक्षरता की बात करें तो भारत की कुल साक्षरता है 73%। और अगर सबसे बड़ी साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो साफ केरला। अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता की तो 80.9% हमारे पुरुषों की, अगर पुरुषों की संपूर्ण जनसंख्या को 100% माने तो 80.9% पुरुष 2011 जनगणना के अनुसार शिक्षित हैं। और अगर हम महिलाओं के साक्षरता की बात करते हैं तो महिलाओं की साक्षरता 64.6% हमारी है। और अगर हम वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा जम्मू कश्मीर अब भारत का राज्य नहीं रहा बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो हमारे राज्यों की संख्या 29 से घट करके कितना चली आई, 28। और अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तो हम पहले 7 जानते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख साथ में बट गया तो हमारा हो गया कितना, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9। अगर हम भारत के ज्यामितीय आकार की बात करें तो भारत का ज्यामितीय आकार क्या है, चतुष्कोणी है। भारत में संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र का कितना विस्तार है, तो भारत में संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। और अगर हम बात करें भारत में पहाड़ी क्षेत्र के विस्तार की तो 18.6% भारत के पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार है। नेक्स्ट अगर बात करें पठारी क्षेत्र के विस्तार की तो 27.7% भाग भारत में पठार पाया जाता है। और अगर भारत में मैदानी क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो 43% भारत में मैदानी क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। अगर हम बात करें कि कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं, तो कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों की, तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले कुल मिलाकर के 17 राज्य हैं। और अगर हम तेल शोधन शालाओं की संख्या की बात करें जिनको आप रिफाइनरी बोलते हैं, तो भारत में रिफाइनरियों की संख्या है 22। और अगर हम बड़े बंदरगाहों की बात करें तो भारत में कुल बड़े बंदरगाह हैं हमारे कितने, 13। नेक्स्ट क्रम पर आते हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं कुछ हमारे और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। और अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु की, तो इस क्रम पर आप ध्यान देंगे कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है कौन सा, हाथी। और अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय पक्षी की, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है हमारा कौन सा, मोर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। और नेक्स्ट क्रम पर ध्यान दीजिए भारत का राष्ट्रीय पुष्प, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कौन सा,
कमल। और अगर हम आगे बात करें कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह। नेक्स्ट क्रम पर ध्यान देते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान, तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है कौन सा, हमारा वंदे मातरम। और अगर अगले क्रम पर ध्यान दें कि भारत की राष्ट्रीय भाषा, तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आप जल्दबाजी में ये लगा सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी, लेकिन हम आपको बता दें कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, बल्कि हिंदी को भारत की राजकीय भाषा, काम काज की भाषा माना गया है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा की दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। अगर भारत की राष्ट्रीय लिपि की हम बात करते हैं, तो भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी लिपि। और अगर हम बात करें कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य की, तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। अगर हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है हमारा कौन सा, तिरंगा। और भारत की राष्ट्रीय नदी की बात करें, तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। और भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा किस वर्ष बनाई गई, तो ध्यान दीजिएगा वर्ष 2008 में। और अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव को, तो हमारे जो इलाहाबाद से हमारे जो पश्चिम बंगाल हल्दिया के मध्य जो पाई जाती है गंगा में डॉल्फिन, इसी अंधी डॉल्फिन को हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो दोस्तों, आज यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण रूप से बात किया भारत के सामान्य परिचय पर। भारत के कुछ और सामान्य परिचय हमारे बचे हुए हैं, जैसे स्थलीय सीमा से कौन कौन से भारत के राज्य किस देश के साथ लगते हैं, भारत के इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।